आज का हो रही है रेडी। खुद से बनाने हो तो मजा नहीं आता। विक्की के फेवरेट है। मेरे कपड़े सारे गीले हो चुके हैं। अभी इरिटेटेड रहता है, थोड़ा चिड़चिड़ा रहता है। तो बॉडी इतनी ढीली हो चुकी है, इतनी ढीली हो चुकी है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह के बज चुके हैं 11 और गाइस मैं वॉक करके आ चुका हूँ और मैंने नहाना धोना भी कर लिया, मैंने पूजा भी कर ली और मैंने पेट पूजा भी कर ली। गाइस दोपहर के 12:30 बज चुके हैं और आशका का स्कूल का टाइम हो चुका है। आशका हो रही है रेडी। सो गाइस मैंने कर लिया अपनी डेली रूटीन कंप्लीट। आशका जा चुकी है स्कूल और विक्की भी जा चुके हैं अपने काम पर और यहाँ मैं रेडी होके खड़ी हूँ, मौसम का एंजॉय कर रही हूँ। क्या मौसम है, ऑसम मौसम है, ऑसम व्यू देख सकते हैं आप बाहर का। सो क्या व्यू है यार। तो इस मौसम में तो चाय पकौड़े मिल जाए तो मज़ा ही अलग आता है, लेकिन हाँ खुद से बनाने हो तो मज़ा नहीं आता। बने हुए मिल जाए तो मज़ा आता है। और मैं कब से रेनकोट ढूंढ रही हूँ क्योंकि बारिश तो ऐसी लग चुकी है ना, अब जाने का नाम ही नहीं। मतलब हर 10 मिनट में बारिश हो रही है, हर 10 मिनट में बारिश हो रही है और मैं आशा का रेनकोट ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ। लास्ट ईयर वाला इसका रेनकोट था, मुझे मिला नहीं। एक्चुअल में हम लोग रेनकोट लेने भी गए थे पर आशका को पसंद नहीं आया क्योंकि आशका को अपनी चॉइस का चाहिए था, इसलिए ये वाला मुझे कलर चाहिए और ये प्रिंट होना चाहिए, तो वो नहीं मिला। तो इसके लिए मैंने सोचा कि वो पड़ा है पहले वो तो निकालूं, एटलीस्ट एक दो दिन जो भी काम चले इससे उसके बाद फिर लेके आएंगे। तो बोलती है नहीं मुझे पहनना ही नहीं और मुझे मिला भी नहीं वो, मैं ढूंढ ढूंढ के थक चुकी हूँ लेकिन नहीं मिला। और बारिश के तो हाल ही मत पूछ, हर 10 मिनट में बोलती हूँ बारिश हो रही है। क्या वेदर हो गया, मतलब एटलीस्ट अगर ऐसी विंडो हो ना तो आपको फैन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत मज़ेदार औसम वाला। गाइस कपड़े तो मैंने यहाँ सूखने डाल दिए हैं पर मुझे लगता नहीं ये कपड़े सूखेंगे कि नहीं सूखेंगे आज, क्योंकि जब भी थोड़ी सी भी बारिश होती है तो जो सूखे होते हैं ना हल्की सी भी हवा लगती है तो उसमें वापस से वही नमी आ जाती है। वो लगता ही नहीं मुझे आज सूखने वाले हैं कपड़े। ये देखिए अभी 10-15 मिनट हुए थे बारिश को रुके हुए। ओह माय गॉड वापस क्या हो चुका है फिर से, ये वेदर तो ऐसा हो चुका है ना कहीं जाने ही नहीं देगा घर से बाहर मुझे लगता है। और भी तेज, मेरे कपड़े सारे गीले हो चुके हैं अभी। सो जी अब हो चुका है मेरा लंच बनाने का टाइम, पर मैं सच में बोलूँ ना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा मैं लंच में बनाऊँ क्या। माइंड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा क्योंकि वेजेस के लिए इतना डिफ़िकल्टी हो जाती है बनाने के लिए, सोचने में जितना टाइम लगता है ना उतना बनाने में भी टाइम नहीं लगता। और एक्चुअली ब्रेकफास्ट में हमने परौंठे खा लिए थे और एक मील अगर हमारा प्रॉपर हो जाए ना तो सेकंड मील हम लोग उस मज़े से नहीं खाते। मतलब परौंठे अगर खा लिए या चपाती खा लिए प्रॉपर मील हो चुका है तो सेकंड टाइम में कुछ डिफरेंट चाहिए ऐसा। तो अभी मैं सोच रही हूँ, मेरे माइंड में बैठे बैठे यही सोचते सोचते आया है कि मैं बनाती हूँ दही बल्ले जो कि विक्की के फेवरेट है और टाइम भी कम है तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से बनाती हूँ और उसको फ्रीज़र में लगा दूंगी ताकि वो थोड़े ठंडे हो जाएँ क्योंकि दही बल्ले जो है ना ठंडे ही अच्छे लगते हैं। तो देखती हूँ विक्की के आने से पहले क्या रेडी हो पाते हैं दही बल्ले और मैं आपको दिखाऊंगी बनाकर कि मैंने कैसे बनाए हैं और आपको मिलवाती हूँ विक्की का रिएक्शन के साथ और वो भी देखेंगे कि इतनी जल्दी तूने दही बल्ले ही बना दिया। एक्चुअली मैंने दाल भी नहीं भिगोई अब तक और 1 बज चुका है, मुझे 3 बजे तक लंच अपना रेडी करना है। तो चलिए आपको मिलती हूँ बनाने के बाद। सो गाइज मैंने जैसे कि कहा था विक्की अभी आए नहीं है और मैं दही बल्ले रेडी करने जा रही हूँ और मेरे दही बल्ले हो चुके हैं रेडी। सच में मैं आपको दिखाती हूँ, नूडल्स भी रेडी किया है मैंने, दही बल्ले भी रेडी किए हैं और अभी देखते हैं विक्की का रिएक्शन क्या होने वाला है दही बल्ले को देखकर। तो चलिए मिलाती हूँ मैं। ये लीजिए। क्या बात है, ये कब बने? ये कब बनाए? ये आपके जाने के बाद, एक्चुअली आशिका के जाने के बाद बनाया मैंने। ये मेरी सबसे फेवरेट चीज है। क्या बात है, मजा आ गया। इतने सॉफ्ट है गाइस, ये देखो खाली चम्मच से रखते ही और एकदम आसानी से टूट रहे हैं, मुंह में जाते ही घुल रहा है। आपको पसंद आने चाहिए बस। वैसे मुझे इतना पसंद है ना कि ये मैं डिश किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, मज़ा आ गया।
गाइस एक बात बोलो ना, सच बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। मैंने बाहर बहुत दही भले खाए, लेकिन जैसे पूजा ने बनाती है ना, मैंने आज तक कभी इसे बाहर खाई नहीं, कभी इसे मिले ही नहीं। थैंक यू। ये है हमारी सेकंड डिश। सो मैंने ये भी बनाई आपके लिए। बंदा तारीफ करे या ना करे, इस नूडल्स जो है ना मुझे पसंद है नूडल्स, लेकिन इसमें खाली एक ही चीज मुझे नहीं पसंद, वो ये मटर। आई नो मटर पसंद नहीं है आपको, लेकिन ग्रीन वेजेस खानी चाहिए। अरे हम बच्चे को खाना सिखाते हैं, आप तो बड़े हो, आपको खाना चाहिए। मैं एक्चुअली तो गाइस सच बताऊं तो पूजा भी जानती है, मैं कभी भी खाने में कोई भी मेरे वो नहीं होता कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, मैं सब खाता हूँ। बट पता नहीं क्यों ये सिर्फ एक मटर ही है जो मुझे मज़ा नहीं आता खाने में, जो कि मैं कभी कभार बिना सोचे समझे डाल देती है, तो चलो मैं खा लेता हूँ क्या करूँ। अब कुछ इतनी फेवरेट चीज़ बनाई है तो साथ में फेवरेट के साथ कुछ तो ऐसा कर देना चाहिए ना जिसने सुना है। ये बढ़िया है। खाली इसमें सॉस की कमी है बस। आपको सॉस चाहिए? सो गाइस मैं एक्चुअली कल शाम को थोड़ा भीग गया था, तो उस वजह से मुझे सर्दी हो गई आज। गाइस आप तो जानते हैं सर्दी जब हो जाती है ना तो आदमी एकदम थोड़ा बहुत इरिटेटेड रहता है, थोड़ा चिड़चिड़ा रहता है, किसी से मिलने का मन नहीं करता, क्योंकि आप पूरा टाइम या तो छींकते रहते हो और दूसरा आपको पता है आपका रनिंग नोज की वजह से भी और दिमाग ख़राब होता है। मेरे साथ भी अभी वही हो रहा है, ऐसा लगता है कि सो जाऊँ। सो गाइस आपने देखा कि वेदर तो अच्छा हो गया है, बट जब मौसम गर्म होता है तो हम बोलते हैं बारिश होनी चाहिए, और जब बारिश इतनी हो जाती है कि हमारी तबीयत ही ख़राब हो जाती है, जैसा कि विकी ने आपको दिखाया, सुबह से छींके ही छींके आ रही है विकी को, मतलब बॉडी इतनी ढीली हो चुकी है, इतनी ढीली हो चुकी है कि उसके कहने ही है, क्योंकि फिर कुछ काम करने का मन नहीं करता अगर बॉडी ढीली हो जाती है तो। सो इतना ठंडा हो चुका है मौसम कि यहाँ फ़ैन की ज़रूरत ही नहीं है। अभी मैं भी यहाँ पर बैठी हूँ बिना फ़ैन के। सो आशिका आ चुकी है स्कूल से। आशिका हाउज़ योर डे टुडे? अच्छा था, और मैं चेस में सिलेक्ट हो गई। वेरी गुड। बट आपको चेस तो आता ही नहीं, कैसे सिलेक्ट हो गए भाई? अरे एक लड़की है हमारे क्लास में जो सबको हरा देती है चेस में। तो आपने उसको भी हरा दिया? नहीं तो? मैंने तो उसके साथ खेला जिसको आता ही नहीं था। ये क्या बात हुई, जिसको आता ही नहीं था उसके साथ ही खेला है? हाँ। फिर क्या सिलेक्शन हुआ आपका? फिर टीचर ने देखा नहीं उसको आता ही नहीं और आपको भी नहीं आता, दोनों को ही नहीं आता था? मेरे को आता था, क्यों, मेरे को तो आता है उसको, मतलब उसको काटने में उसको ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, वो टाइम ही लगा रही थी, फिर भी उसका दिमाग ही नहीं चला, फिर भी मैंने उसको ज्यादा काट दिए कमांडोज। मैंने कम काटे, उसने ज्यादा काटे कमांडोज, पर कमांडो सिर्फ 1 पॉइंट का होता है, मैंने बाकी ही काटे नाइट और ऐसे सब काटे। तो यानी आपका सिलेक्शन हो गया फाइनली, टीचर ने बोल दिया आपको? अब जो लड़की मतलब क्लास में मतलब सबको हरा देती है ना, उसके साथ सर मेरा करवाएंगे, वो भी फाइनल में गई है, मैं भी फाइनल में गई। ओ मतलब अब देखते हैं क्या होने वाला है। हाँ। मैं कुछ बोलना नहीं चाहती और मुझे उम्मीद नहीं है आपसे। अच्छा नहीं ऐसा नहीं होगा। तो हम दोनों खेलेंगे और जो जीतेगा वो फिर दूसरी क्लासेस के साथ खेलेगा। ओके वेल डन, देखते आगे आगे होता है क्या। जीतूंगी तो मैं ही। सोची तबीयत कैसी है अब आपकी? सर्दी ने हाल बेहाल कर रखा है। हाल बेहाल कर दिया आपका? तो दवाई ली आपने अभी? मैं अभी नहीं ली। तो किस चीज़ का वेट है भाई? रात में लेके सोते वक्त। ऐसा है क्या, सोते वक्त लोगे? हाँ। और ये मैडम क्या कर रही है यहाँ पे? इसकी टाई बांध रही हूँ। और मम्मा आपको पता है कि मेरे स्कूल में ना जो आपने लंच पैक करके दिया था मेरे को फ्रेंच फ्राइज। हाँ, मैं क्या बोल रही हूँ, आपका पेट भर गया था थोड़े से लंच से, घर पे ज्यादा खा लिए थे आज खाने, है ना, पैक करने इतना अच्छा लगा था मेरे को भी सीरियसली। हाँ? और फिर मेरी एक दोस्त थी, सच्ची मैं बता रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही गाइस, मेरी एक दोस्त थी, मतलब मेरे तीन दोस्त ने मांगा कि ले लो ले लो, मैंने कहा हाँ ले लो, तो तीनों दोस्त ने बोला कि वाह इतना अच्छा है कहाँ से मंगाया, मैंने कहा मम्मी ने खुद घर पर बनाया है, तो कहती वाह यार तेरी मम्मी इतना अच्छा खाना बनाती है। अच्छा हाँ।
बेटा फ्रेंच फ्राइज तो सेम ही होता है, उसके ऊपर जो होता है ना टॉपिंग और मसाला उसका कमाल होता है। फ्रेंच फ्राइज हाँ ठीक है, पर हाँ वो तो मतलब मैं शायद आज का अगर आधा घंटा और लेट होती ना तो फ्रेंच फ्राइज घर पे ही खा लेती पूरा, है ना। हाँ हाँ क्योंकि मेरे को इतना चलेगा, मैं एक खाती थी बंद कर देती, बंद कर देती थी टिफिन, मैं खाती थी बंद कर देती, मैं टीवी देख रही थी तो अभी तक टाइम नहीं हो, टाइम नहीं होता स्कूल का। एक्चुअली भूल गई थी कि स्कूल में लेके जाने हैं मुझे, है ना। हाँ, तो मैं एक ले रही हूँ, बंद कर देती हूँ टिफिन भी देख ले रही हूँ बस। ऐसा क्यों होता है फ्रेंच फ्राइज बच्चों के इतने पसंदीदा होते हैं, क्यों ऐसा? देखो ऐसा मुझे कुछ नहीं है, बड़ों के भी फ्रेंच फ्राइज बहुत फेवरेट होते हैं, मुझे तो पता ही नहीं है, उसको टिफिन में वो दिया है तो मैं भी मांग लेता। ऐसा है क्या? और जैसे कि अभी तूने कहा कि मसालों का कमाल होता है, तो मैं तो आज तक इसी भ्रम में था कि तो मम्मी के हाथ का जादू है। आज सच्चाई मालूम पड़ी है, सारी तारीफ पे पानी। मैंने क्या तारीफ पे पानी की फेरा है, खुद ही बता रही हाँ, है वही हाँ? तो। और आपको पता है मेरे को ना सबसे ज्यादा पसंद है पेरी पेरी चीज फ्रेंच फ्राइज, सबसे बेस्ट। आपको पता है पापा का हाँ पेरी पेरी, मुझे पेरी पेरी बहुत पसंद है। हाँ, उसके ऊपर चीज भी हो अच्छी तरह से फुल, तो पेरी पेरी चीज फ्रेंच फ्राइज। और चीज मम्मा जब भी कोई चीज बनाती है ना तो भर के डालती है, क्योंकि चीज उनको पता है कि पापा मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद है। मम्मी आपको भी पसंद? बोल सो चीज लवर यार, मुझे भी। हाँ वही पूछने वाली थी, आपको भी पसंद है? पापा और मैं अपना नाम ले रही। हाँ क्योंकि सैंडविच बनाती तभी भी अच्छी तरह से ग्रेट करके डालती है। ये बात तो सही है, और चीज तो गाइस एक्चुअली हर किसी को चीज तो बहुत ज्यादा पसंद होता है, है कि नहीं? और मुझे स्पेशली वो वाली पसंद है चीज स्लाइस, और जब चीज खिंचती है ना वो वाली। सो गाइस अगर बारिशों के दिनों में भुट्टा नहीं खाया तो क्या खाया? गाइस यहाँ पर हो रहा है डिनर, डिनर में बनाया दाल, तंदूरी रोटी, अचार, चटनी और आम। तो गाइस हमारा डिनर हो चुका है, तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं और आपको मिलेंगे कल अपने अगले वीडियो में। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय।